सभीपस्थ ग्राम कोलियारी नरसिंह की ओर स्थित महानदी रेत घाट से रेत ले जाने पहुंचे 8 ट्रैक्टरों को पड़ोसी ग्राम पारा गांव के सब्जीबाड़ी करने वाले किसानों ने पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम 6 बजे पारा गांव के लोग पारा गांव और कोलियारी गांव की सरहद से लगे अपनी अपनी बाड़ियों में काम करने गए थे। इसी दौरान उन्हें सरहद से लगे महानदी रेत घाट में अवैध तरीके से रेत ले जाने पहुंचे आधा दर्जन से अधिक ट्रैक्टर दिखाई दिए। इस पर ग्रामवासियों ने सभी ट्रैक्टरों को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दे दी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सभी ट्रैक्टरों को थाने ले आई। पीड़ित किसान बताते हैं कि कोलियारी रेत घाट से प्रतिदिन अवैध तरीके से कई दर्जन ट्रैक्टर रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन करते हैं और यह सारा खेल पंचायत प्रतिनिधियों की नाक के नीचे होता है, लेकिन संभवतः आपसी साठगांठ के चलते पंचायत प्रतिनिधि आग बंद किए रहते हैं। जब किसी दिन जागरूक ग्रामवासियों द्वारा अपने प्राण की चिंता किए बगैर गाड़ियों को पकड़ा जाता है तो यही पंचायत प्रतिनिधि श्रेय लेने पहुंच जाते हैं। इस पूरे प्रकरण में एक ओर जहां महानदी का सीना छलनी हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर सरकार को भी राजस्व राशि का घाटा हो रहा है, लेकिन इन बातों से न तो अवैध रेत ले जाने वालों को फर्क पड़ता है और न ही पंचायत प्रतिनिधियों को, लेकिन इन सभी का नुकसान नदी के छोर पर छोटी मोटी सब्जी का बाड़ी लगाने वाले किसानों को जरूर होता है। राजकुमार निषाद, मदन सोनकर, भरत निषाद, हेमू निषाद, राम कुमार देवांगन, संतोष देवांगन, जीतू देवांगन, सोमन निषाद, मोहन निषाद, ऋषि देवांगन व धनु निषाद जैसे पीड़ित किसानों ने बताया कि अवैध रूप से रेत उत्खनन करने वाले इन ट्रैक्टर चालकों को अनेकों बार बाड़ी को नुकसान न पहुंचाने की समझाइश दी थी, लेकिन उन्होंने हमारी एक न सुनी। इससे पहले भी हमने कई बार उन्हें समझा कर छोड़ दिया था, लेकिन बार बार मना करने के बावजूद भी न मानने वाले इन लोगों को हम सभी किसानों ने मिलकर उनकी गाड़ियों को रोका और इसकी सूचना पुलिस को दे दी। हम सभी की यही मांग है कि अवैध रूप से रेत उत्खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बहरहाल आज पकड़ाए सभी गाड़ियों को गोबरा नवापारा थाना परिसर में खड़ा कर दिया गया है और पुलिस ने इस मामले में राजस्व अथवा खनिज विभाग द्वारा कार्रवाई किए जाने की बात कही है। पकड़े गए अधिकांश ट्रैक्टर ग्राम लखना व कोलियारी की है। DNX TV के लिए नवापारा राजिम से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। हाँ बाबा, क्या मामला है बताओ? मामला है वाय वहारे वहा हम बाई वारी लगा था ना, हमने घूमने का रेट ही काला थे वही नाम से हरे काम ला ट्रैक्टर वाला में रह कर वहाँ है कितने वहाँ का लाहन का यहाँ थाना में करना करना 7 ठन ट्रैक्टर भरा रही से। हाँ भरा रही तो उलट उलट भी दिया वो मैंने खाली कर दे थाना में घर। अब ये बताओ, हम लोग साग बाड़ी बोते हैं, साग साग भाजी बरबट्टी करेला जो भी है चुटिया मखना लगी और इसी जो गाड़ी वाले खान कर निकाल रहा है 5 फीट गड्ढा हो गया है और बारिश आने के बाद में उसके बाद में धुल जाएगा तो मुश्किल हो जाए, इसके लिए हम लोग मना करते हैं। तो 3-4 मतलब हो गए मना करने के बाद में नहीं मानता है। आज सुबह 5 बजे गए थे वो तो हम लोग पकड़े 7-8 गाड़ी को, उसके बाद में थाना ला लिए। क्या नाम? संतोष। अब ये बताओ, अभी हम ना नदी में के किनारे कसार में 4 महीना जीतन खासन भोसान वाला भारी पकड़ी बोला ना ये रेती वाला टेटर वाला मान पूरा खाना थे बोला मना करता तब भी नहीं माने, उसी कारण से मन हाँ गए हैं सब बस्ती वाला और जा करना मतलब पकड़े हैं तो रेत रेत बढ़ा रही थी राइट साइड खाली करी थी तब ना पुलिस वाला बुला है रिपोर्ट लगा के पुलिस वाला बुलाए तो ना ट्रैक्टर वाला मतलब खाली करी तब ट्रैक्टर वाला पूरा ना 7-8 ट्रैक्टर ला थाना में ला के रखे। क्या नाम? मदन। हाँ भैया, क्या मामला बताओ? हम किसान आज बाड़ी लगाने वाला किसान हरण भैया तो अवैध रूप से ना रेती खनन करा थे तो आज पकड़े 7 दिन तक पकड़े तो पर पहली ना पकड़ाई 2-3 बार म,
मना करें कर बाद में भी नहीं माना, नहीं मानी तो बाद में आज ना आठ दस ट्रैक्टर पकड़ाए नहीं से, दो तीन ट्रैक्टर भग गया अभी आठ खाना समझ आया है खाना भाड़ के लाभ गाड़ी भराई गाड़ी भराए जिसे खाली करवाए खाली राजकुमार।